हेलो, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ओके, मैटप्लॉट LIB। ओके, तो यहाँ से हम जस्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसके वीडियोस आप अपने यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर हम देख सकते हैं सारे वीडियोस, और उसके फुल चैप्टर्स वीडियोस भी वहाँ पर अपलोड है। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले, जैसे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। ओके, इन दिस चैप्टर, तो ये चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, फर्स्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ओके, सेकेंड यहाँ पर प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी, एंड थर्ड यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट्स, एंड फोर्थ यहाँ पर पांडाज प्लॉट फंक्शन। ओके, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ पर हम बात करें इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर जैसे हम बात करें तो कि जो प्रीवियस चैप्टर हमने सीखे थे, ओके, प्रीवियस चैप्टर में हमने जैसे वहाँ पर कौन सा, यहाँ पर हमने जस्ट पांडाज लाइब्रेरी एंड वहाँ पर हमने दो जस्ट NumPy यहाँ पर सीखा था। ओके, पांडाज में हमने वहाँ पर दो चीज सीखी थी, वन इज सीरीज एंड सेकेंड वन यहाँ पर हमने सीखा था डेटा फ्रेम। ओके, ये हमने वहाँ पर लास्ट में भी सीखा था। ओके, तो अभी के ये जो चैप्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर दिया हुआ है, तो कि जस्ट यहाँ पर हम चैप्टर है तो कि प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ओके, प्रीवियस जो यहाँ पर था कौन सा था जो हमने सीखा था, कौन सा लाइब्रेरी, पांडाज लाइब्रेरी था। ओके, पांडाज लाइब्रेरी का यूज क्या था, तो कि जस्ट यहाँ पर एक सिंपल यूज था कि भाई आपको डेटा एनालिसिस करना है तो हम यहाँ पर पांडाज लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। उसमें भी हमने दो सीखा था, जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया तो कि सीरीज जो था यहाँ पर वो एक्चुअल में क्या होता है, तो कि वन डायमेंशन रहता है। ओके, तो ये वन डायमेंशन रहेगा, और जो डेटा फ्रेम होता है, ओके, तो डेटा फ्रेम है वो यहाँ पर क्या रहेगा, तो कि वो रहता है टू डायमेंशन। दैट मीन्स सिंपल है भाई कि कौन सी फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है। बट यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं वो कौन सा सीखने वाले हैं, तो कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज करेंगे। ओके, तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी यहाँ पर यूज क्या है, तो कि जस्ट इसका एक ही यूज है यहाँ पर, सिंपल है डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, तो इसका यूज क्या है यहाँ पर भाई, तो कि यहाँ पर यूज यहाँ पर है तो कि डेटा हमें विजुअलाइजेशन, ओके, डेटा को यहाँ पर जस्ट क्या करना है, हमें शो करना है, बट कौन सी फॉर्म में, तो कि यहाँ पर हम जस्ट फॉर्म कर सकते हैं चार्ट में, ग्राफ में, जस्ट वहाँ पर हमें शो करना है तो डेटा यहाँ पर, ये लाइब्रेरी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम जो सीखने वाले कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट। ओके, तो बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे वहाँ पर लाइन चार्ट, जो भी यहाँ पर हम चार्ट ग्राफ या फिर जो भी वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट है, हिस्टोग्राम, वो यहाँ पर हम कस्टमाइज करेंगे। एंड नेक्स्ट में यहाँ पर जो फोर्थ जो दिया हुआ प्लॉट फंक्शन यहाँ पर हम यूज करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। चलिए फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन जैसे हमने पहले ही बताया, तो कि भाई इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम बात करें तो जस्ट फर्स्ट यहाँ पर, तो कि जस्ट प्रीवियस हमने जो सीखा था पांडाज लाइब्रेरी, कि जस्ट यहाँ पर जस्ट हमने पहले ही सीखा था कि भाई यहाँ पर क्या करना है, तो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को एनालाइज करना है, और उस पर हमें बहुत सारे स्टैटिकल फंक्शंस यूज करना है, तो हम जस्ट वहाँ पर यूज करेंगे पांडाज लाइब्रेरी और पांडाज डेटा फ्रेम। ओके, नेक्स्ट, तो कि यहाँ पर जो हमने क्लास में क्लास 11 में भी सीखा था हमने कौन सा, और क्लास 12 में भी हमने इसका यूज किया था, कौन सा, NumPy लाइब्रेरी। ओके, तो कि NumPy के थ्रू भी हम जिस एनालाइज करना है जो न्यूमेरिकल डेटा वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर एनालिसिस यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट अ डेटा एज वेल एज मेक इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्कशन, यानी कि जो हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो उसके बेस पर हमें क्या मिलता है, कुछ रिजल्ट शो करता है, और वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर डिसीशंस, बिजनेस डिसीशंस यहाँ पर लेना है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तो एक और चीज बता, देखो, इट इज नॉट इजी टू गेस द जस्ट बाय लुकिंग द रिजल्ट, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, क्योंकि पूरा टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, बट ये टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है, तो समटाइम्स यहाँ पर अगर डेटा कुछ ज्यादा ही है तो इट्स नॉट ईजी टू टेक अ डिसीशन। सो तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके एक सोल्यूशन दिया है, तो कि जस्ट विजुअलाइजेशन,
And again, this visualization helps to better understand the result of the analysis. And again, यहाँ पर हम यह क्या use करेंगे? तो कि यहाँ पर हम use करेंगे chart type of data. That means simple यहाँ पर the bar, column, वो just यहाँ पर chart of data यहाँ पर use करेंगे. तो exit next देखो. Data visualization means the graphical or a pictorial representation of data using graph, chart, etc. तो एकदम हम अगर हम जस्ट चार्ट देखते हैं तो इजीली हमें जस्ट पता चल जाता है कि भाई हाँ तो कि कुछ डेटा है तो वो डेटा क्या कर रहा है, तो कुछ प्रोग्रेस कर रहा है या फिर कौन सा यहाँ पर वैल्यू जस्ट यहाँ पर ग्रेटर है या फिर कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बताते हैं? दिस फ्लोटिंग डेटा इज विजुलाइज अ वेरिएशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. ओके, जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, अब जो भी यहाँ पर x, y, यहाँ पर जो भी, तो ये y और x, तो यहाँ पर ये जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिलेशंस यहाँ पर वेरिएबल्स के बीच में शो कर सकते हैं. नेक्स्ट, विजुलेशन आल्सो इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टू इंटेंडेंट यूजर्स. देन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए, ट्रैफिक सिंबल्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, एटलास बुक ऑफ मैप्स, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल, then the tuner of instruments, a few examples of visualization. Like a simple example है भाई. Simple example कौन सा है? तो के map है. तो map one type of क्या है? तो के एक just visualization यहाँ पर है. या फिर just यहाँ पर traffic symbols है. Okay, traffic symbols ये हमें show करता है भाई. Just वहाँ पर stop, then the left, right. Okay, तो वो just यहाँ पर show करता है. चलो, next यहाँ पर visualization of data effectively use in a fields like health, finance, science, mathematics, engineering, वहाँ पर ये सभी जगह पर इस टाइप के जो विजुअलाइजेशन है वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? तो कि जैसे हम हाउ टू विजुअलाइज डेटा यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी. तो ये लाइब्रेरी के थ्रू हम पाइथन में जैसे हमें प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग क्या करना है भाई? तो कि यहाँ पर लाइन चार्ट एंड बार चार्ट और यहाँ पर स्केटर, तो यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ यहाँ पर डेटा पर हमें जो ये चार्ट यूज करना है, चार्ट यूज कर सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिस अबाउट मैटप्लॉट लाइब्रेरी. ओके, मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज यूज्ड टू क्रिएटिंग स्टैटिक एनिमेटेड इंटरेक्टिव 2D प्लॉट्स फिगर्स इन पाइथन. ओके, जस्ट सिंपल बताया था अभी, हम चार्ट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर. ओके, इट कैन बी, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बता रहे स्टैटिक है. ओके, दैट्स, वो डायनेमिक नहीं है कि वहाँ पर डेटा में कुछ चेंज होगा तो वो चार्ट में इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा, ये स्टैटिक दिया हुआ. इट कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग द फॉलोइंग कमांड. तो आपको एग्जिट क्या करना है, आपके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके. ओके, तो जस्ट यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है पांडास लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करना है. तो सेम मेथड, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे वहाँ पर हमें क्या करना है, CD एंड आपका पाइथन इंस्टॉलेशन पाथ, और उसके बाद आपको जस्ट ये पाथ यहाँ पर देना है. कौन सा? तो कि ये जो पूरा दिया हुआ PIP इंस्टॉल एंड जो यहाँ पर अपना दिया हुआ वो हमें देना है. ओके, ये इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट? ऑलवेज जैसे हम पहले हम यहाँ पर करते थे, कौन सा देते थे? तो कि इम्पोर्ट, यहाँ पर करते थे इम्पोर्ट पांडास एज PD. ओके, ये इम्पोर्ट करते थे. तो ऐसे ही यहाँ पर मैटप्लॉट लाइब्रेरी के हमें लिए ये जो यहाँ पर लाइब्रेरी है ये कंपलसरी वहाँ पर हमें यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा. ओके, तो ये जस्ट यहाँ पर हो सकता है. चले, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो देखो ये जस्ट यहाँ पर पूरा एक मैटप्लॉट लाइब्रेरी यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है. ओके, एग्जिट यहाँ पर यूज क्या है? तो देखिए वापस यहाँ पर देखते हैं तो पाई प्लॉट मॉड्यूल. ओके, एक मॉड्यूल नेम दिया, पाई प्लॉट मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉट कंटेन द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू वर्क ऑन अ प्लॉट. ओके, प्लॉट पर वर्क करने के लिए द प्लॉट फंक्शन ऑफ द पाई प्लॉट मॉड्यूल इज यूज्ड टू क्रिएट अ फिगर्स एंड अ फिगर्स ओरल विंडोज एट द आउटपुट ऑफ द पाई प्लॉट फंक्शन इज प्लॉटेड. ओके, नेक्स्ट में भी हम देखते हैं तो कि जिस यहाँ पर बात करें प्लॉट फंक्शंस की और जो यहाँ पर पाई प्लॉट फंक्शन वो कैसे यूज होगा. ओके, फिगर कंटेन्स अ प्लॉटिंग एरिया लाइक अ लीजन, एक्सिस, टिक्स एंड अ टाइटल. ओके, पहले देखो ये जैसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये जो एग्जैक्ट ये टॉपिक जो दिया हुआ है
figure contains a plotting area, legends, axis labels and ticks. ओके पहले यहाँ पर हम बात करते हैं तो कि फॉर एग्जांपल ये जो अपना ये लाइन शो कर रहा है ओके तो ये जो लाइन है ये एग्जिट क्या होगा तो कि ये जस्ट यहाँ पर है अपना प्लॉटिंग एरिया ओके ये प्लॉटिंग एरिया रहेगा फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हम बात करें देखो तो ये 14 है 12 10 8 6 4 2 ये जो दिया हुआ है ये एग्जिट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे तो कि यहाँ पर उसको बोलेंगे वाई एक्सिस टिक्स यहाँ पर हम क्या बोलेंगे उसको तो कि वाई एक्सिस टिक्स या फिर यहाँ पर एक सिंपल है भाई उसको क्या बोलेंगे तो कि वाई टिक्स और यहाँ पर देखें कैटेगरी फिर एक कैटेगरी टू थ्री फोर ये अपना जस्ट क्या हो जाएगा तो कि एक्स यहाँ पर टिक्स हो जाएंगे ओके उसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे तो कि ये जस्ट अपना है एक्स एक्सिस टाइटल और ये जो यहाँ पर y एक्सिस जो दिया हुआ तो ये अपना क्या हो जाएगा y एक्सिस टाइटल ओके तो ये कुछ यहाँ पर नेमिंग्स यहाँ पर दिए हुए और ऑलवेज जस हमें पता है तो कि जस ओरिजेंटल जो रहता है ऑलवेज वो क्या होता है x एक्सिस रहता है ओके एंड जो वर्टिकल रहता है वो ऑलवेज कौन सा रहता है y एक्सिस रहता है ओके नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें ईच फंक्शन लाइक द सेम चेंजेस इन द फिगर्स लाइक क्रिएट पर्टिकुलर जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया है तो कि एक्स एक्सिस टाइटल प्लॉटिंग एरिया वाई एक्सिस टाइटल्स वाई टिक्स एक्स टिक्स ये जो भी दिया हुआ है यहाँ पर ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताइए इट ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट प्लॉटिंग प्रेजेंट इन द चार्ट इजीली अंडरस्टैंड तो देखिए यहाँ पर एग्जिट हमें पता चला हाँ भाई फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी वन उसका जस्ट डेटा फोर देन कैटेगरी टू तो दैट्स यहाँ पर डेटा कुछ ये दिया हुआ है देन यहाँ पर कैटेगरी टू तो एग्जिट वैल्यू इसका कितना हो गया तो कि यहाँ पर ये 6 होगा तो ये एग्जिटली यहाँ पर इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा ओके हैंस व्हाइल द प्रेजेंटिंग डेट शुड बी गिव अ चार्ट टाइटल लेबल एक्सिस ऑफ द चार्ट एंड प्रोवाइड अ लीजेंड इन अ केस ओके तो ये एग्जिट देखो ये जिस यहाँ पर जाता है इसको क्या बोलेंगे तो कि इसको बोलेंगे लीजेंड्स यानी कि ये क्या इंडिकेशन करता है तो कि पर्टिकुलर कलर सीरीज 2 तो ये जो दिया हुआ है तो ये एग्जिट कौन सा है तो कि ये भाई यहाँ पर है सीरीज 2 ओके तो ये जो हम यहाँ पर कर सकते हैं ओके लास्ट में एक दिया टू प्लॉट एक्स वर्सेस वाई ओके तो ये जो अपना था वाई और ये था एक्स तो दैट मींस ये जिस यहाँ पर जो भी चार्ट अकॉर्डिंग जो शो कर रहा है मैं तो ये एग्जिट क्या कर रहा है एक्स वर्सेस वाई और यहाँ पर देखो वो प्लॉट फंक्शन यूज कर रहे जो प्रीवियस हमने बात किया था तो कि जिस यहाँ पर क्रिएट करने के लिए फिगर क्रिएट करने तो एग्जिट कैसे यूज कर रहे हैं देखो PLT डॉट प्लॉट एक्स एंड वाई तो ये जस्ट यहाँ पर यूज करेंगे एंड लास्ट में एक शो फंक्शन होता है तो शो फंक्शन का यूज क्या होगा यहाँ पर तो कि शो फंक्शन का यूज यहाँ पर हमें वो चार्ट को शो करना है तो यहाँ पर हम शो फंक्शन यूज कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4.1 प्रोग्राम 4.1 दिया हुआ ओके एग्जिट यहाँ पर क्या करें लेट अस कंसीडर इन द सिटी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे रिकॉर्डेड फॉर दिस एंड कंसीडर Program 4.1 demonstrate how to plot a temperature various values given the date. Okay, तो first यहाँ पर plotting the temperature against height. Exit देखें तो program कैसे यहाँ पर just use करें तो कि input के यहाँ पर हमने कौन सा तो कि जो यहाँ पर अपना library था matplot library as a PLT. Okay, next यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं date. Okay, तो कि date यहाँ पर तीन just यहाँ पर दे रहे हैं तो कि 25, 26 and 27 तो ये जो डेट है तो ये डेट हम कौन सी फॉर्म में यहाँ पर कर रहे हैं तो कि यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं कौन सी फॉर्म में तो कि यहाँ पर हम कर रहे हैं उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट को यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं ओके नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो कि जस्ट यहाँ पर हम टेम्परेचर ओके तो कि टेम्परेचर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो कि यहाँ पर हम टेम्परेचर है ओके तो टेम्परेचर यहाँ पर एज यहाँ पर वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं ओके नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ ये एग्जिट प्लॉट कर रहे हैं देखो प्रीवियस बताया था तो कि डेट एक्स एंड टेम्परेचर वाई ओके तो यहाँ पर देखो डेट में हमने ये दिया और ये टेम्परेचर में ये तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो कि हम प्लॉटिंग कर रहे हैं तो प्लॉटिंग क्या कर रहे हैं तो कि यहाँ पर एग्जिट क्या होगा तो कि हम एक क्रिएट कर रहे हैं क्या क्रिएट कर रहे हैं तो कि यहाँ पर एक फिगर क्रिएट कर रहे हैं दैट मीन्स चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो एग्जिट क्या करें हम फ्लोटिंग टेम्परेचर वर्सेस यहाँ पर क्या करेंगे हम डेट
ओके, तो दैट मींस एक्स एंड वाई, एंड लास्ट में जो ये फंक्शन यूज करेंगे शो, तो जैसे हम शो करेंगे तो एग्जिट हमें ये टाइप का यहाँ पर एक चार्ट शो कर देता। तो एग्जिट अभी हम बात करें तो यहाँ पर देखें तो अपना जस्ट ये प्लॉट एरिया, ओके, तो ये जो यहाँ पर है ये कौन सा था, तो कि ये जस्ट यहाँ पर डेट, ओके, तो डेट यहाँ पर एग्जिट कौन सा, एक्स था। फिर ये जो यहाँ पर है ये टेम्परेचर, तो ये कौन सा था अपना, वाई, ओके, एंड ये जिस यहाँ पर हमने क्या किया था, तो कि ये हमने प्लॉट किया हुआ डेट एंड टेम्परेचर। चले नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ओके, तो एग्जिट ये फिगर फॉर जो प्रोग्राम फाइव इज प्रोवाइडेड अ पैरामीटर व्हिच इंडिकेट्स एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये अपना क्या हो गया, तो कि ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, एंड ये अपना कौन सा हो गया, तो कि ये हो गया अपना वाई एक्सिस। X and Y ticks are displayed according to as shown in the plot function default as a plot line chart. कौन सा, तो कि ये जो हमने यहाँ पर plot function use करें। We can click the save button to output window and save as a plot as image. तो ये button की बात करें, तो ये button से हम क्या कर सकते हैं, तो कि अपना जो ये chart है उसको यहाँ पर हमें save करना है, तो हम यहाँ पर save भी कर सकते हैं। या फिर एक और method है, figure can also be saved using save figure. यहाँ पर जो भी ये फंक्शन है उसके थ्रू हम यहाँ पर कर सकते हैं, ओके, लास्ट यहाँ पर जस्ट यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। चले ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉट, ओके, एंड कुछ यहाँ पर फंक्शंस जो दिए हुए हैं, ये फंक्शंस यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। थैंक यू।